अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ओके गुड, आई एम गुड टू बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसको मैंने सोचा कि इसको मैं बुक से ही पढ़ा दूं ताकि आप लोगों को जो बात समझ नहीं आ रही हो बुक में, तो बुक में वहीं पे क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको बिल्कुल क्लियर? सही है। तो भाई यहाँ पर आपके सामने बुक खुली हुई है और सबको बुक भी नजर आ रही होगी सही से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको देखना है। बेटा ये फेडरल की बुक है, ठीक है, फेडरल टैक्स बुक। तो इसके अंदर आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, सबसे पहले हमारे पास आती है ओवरी, ठीक है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद ओवरी के बाद ये फिमरी है, ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो एग को अपनी तरफ क्या करती हैं, खींचती हैं। लाइक अगर आराम से एग जो है वो ओवरी से जाएगा फिमरी की तरफ या फेलोपियन ट्यूब की तरफ, तो वो आराम से नहीं जाता बल्कि वो जंप करके जाना है। ठीक है, तो एग जो है जंप करके जाता है और वो फिमरीज जो है यहाँ पे या फिमरी है वो क्या करती है, इसकी जो मूवमेंट होती है फिंगर लाइक मूवमेंट होती है और ये एग को अपनी तरफ बुलाती है, खींचती है। ठीक है, इस तरह से। देन फिर यहाँ से फेलोपियन ट्यूब है, और जब यहाँ से फेलोपियन ट्यूब से गुजर रहा होता है तो एग क्या होता है उस वक्त तक फर्टिलाइज हो चुका होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तब भी वो यहाँ पर वेट करता है, फेलोपियन ट्यूब पर वेट करता है के स्पर्म आकर उसको फर्टिलाइज कर दे। ठीक है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो वो फिर वहां यहाँ से ट्रेवल होते हुए कहाँ तक आ जाता है, इधर यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर आकर इम्बेड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आकर क्या करता है, सेटल डाउन करता है और यहीं पे इसकी फर्दर ग्रोथ होना स्टार्ट होती है एग की और डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो आपके पास ये यूट्रस की बॉडी है और ये फंडस है, इसके अलावा ये एंडोमेट्रियम की लेवलिंग बताई हुई इन्होंने, मायोमेट्रियम और सर्वेक्स एंड देन विजाइना। ठीक है, तो ये तो सबने पढ़ा हुआ ही होगा और ये सबको पता भी है। आगे इसकी बेसिक चीज जो है वो देखनी है हमें। सो यहाँ पे हमारे पास गुनेट्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसमें उन्होंने क्या क्या बताया हुआ है कि ओविडा फीमेल गुनेट्स विच प्रोड्यूस ओवा एंड रिलीज हार्मोन्स, दीज द पेयर्ड ओवरीज प्लैंग द यूट्रस ऑन ईच साइड एंड ईच ओवरी इज हेल्ड इन प्लेस विद द पेरिटोनियल कैविटी बाय सेवरल लिगामेंट्स। जो ये लिगामेंट्स हैं इनको किसका नाम दिया हुआ, वहाँ पे फिमरी का नाम दिया हुआ, फिमरी की लेवलिंग बताई हुई उन्होंने। द ओवरीज आर सॉलिड ओवॉइड स्ट्रक्चर्स मेजर्ड अबाउट 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये जो यहाँ पर इनकी मेजरमेंट दी हुई है, मेजरमेंट को याद रखना है कि ओवरीज कितनी उनकी कितनी मेजरमेंट होती है, 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, विड्थ कितनी होती है 2 to 3 सेंटीमीटर और लॉन्ग कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है 3 to 5 सेंटीमीटर। तो ये चीज ना फेडरल के अंदर आपने फेडरल से ही याद रखनी है। उसके अलावा क्या है इसके अंदर के मैनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ओवेरियन फॉलिकल्स कहा जाता है और ये सारे इमेच्योर एग होते हैं, उनके अंदर एक इमेच्योर एग होते हैं हर ओवेरियन फॉलिकल के अंदर और उस एग को कहा जाता है ओसाइट। ठीक है, और वन ऑफ द राइपनिंग फॉलिकल्स इजेक्टेड ओसाइट फ्रॉम द एवरी ओवरी ईच मंथ। तो जो हमने एनिमेशन देखी थी उसमें भी इसी तरह से उन्होंने दिखाया हुआ था कि ओवेरियन फॉलिकल से ओसाइट क्या होता है, इजेक्ट आउट होता है और इस इजेक्शन को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, और रप्चर फॉलिकल जो ट्रांसफॉर्म होते थे कॉर्पस लूटियम के अंदर, ये भी होते हुए देखा था। आगे क्या है, ओविडक्ट। अच्छा जी,
ओविडक्ट के अंदर क्या है, ओविडक्ट फॉर्म द इनिशियल पार्ट ऑफ फीमेल डक्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये इनिशियल पार्ट है डक्ट सिस्टम्स का। तो उसमें क्या होता है, ये रिसीव करता है, जो ओसाइट होता है उसको रिसीव करता है, और वहीं पर क्या होती है, जनरली फर्टिलाइजेशन होती है। कहाँ पर होती है, ओविडक्ट में होती है, जिसको फेलोपियन ट्यूब या फिर यूट्राइन ट्यूब का नाम दिया जाता है, ठीक है। और हर ओविडक्ट क्या होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, और क्या करती है, ट्रांसफर करती है जो ओवा होता है वो, अगर फर्टिलाइज हो गया तो वो साथ साथ डेवलपमेंट उसकी चलती रहती है, और ओवी से लेकर यूट्रस तक इस ओवा को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, ओविडक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है यूट्रस, यूट्रस इज अ वॉर्म इज अ, यूट्रस को भी एक और नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं वोम, हॉलो होता है, मस्कुलर ऑर्गन है ये, उसके जो मसल्स होते हैं उसमें उसकी शेप इसी तरह से होती है कि मस्कुलर ऑर्गन होता है वो, और उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फंडस जो ऊपर की साइड पर होता है, और उसके बाद बॉडी होती है उसकी, और फिर सर्विक्स, ठीक हो गया। जैसे अभी हमने यूट्रस का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, कि ऊपर ऊपर की तरफ जो उसकी बॉडी होती है, जो ऊपर की तरफ जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसको फंडस का नाम दिया जाता है, फिर उसकी बॉडी होती है, और फिर लास्ट में नीचे की तरफ क्या होता है, सर्वक्स होता है। अच्छा, ओविडक्ट ज्वाइन करता है यूट्रस को जस्ट बिलो द फंडस एंड द ओपनिंग ऑफ योर सर्विक्स लीड्स टू द वजाइना या वजाइनल कैनाल, ठीक है, और द वॉल ऑफ द यूट्रस इज कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स। अच्छा, ये चीज ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूट्रस की वॉल्स होती है कंपोज होती है 3 लेयर्स की, पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, थिन कवरिंग होती है, और उसके बाद मायोमेट्रियम होती है, और फिर एंडोमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम क्या होती है, मिडिल थिक मस्कुलर लेयर होती है, पेरीमेट्रियम थिन होती है, और मायोमेट्रियम क्या होती है, थिक होती है। बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल्स, अच्छा ये जो मसल्स हैं इनकी, ये सारे स्मूथ मसल्स से ही बने होते हैं। मायोमेट्रियम किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है, और ये इसकी जो कॉन्ट्रेक्शन होती है, ये रिदमिकली कॉन्ट्रेक्शन होती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ टू एक्सपेल द बेबी फ्रॉम द मदर्स बॉडी, यानी कि जो लेबर कॉन्ट्रेक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, वो एक्चुअली मायोमेट्रियम की वजह से होती है। ठीक है, उसके अलावा एंडोमेट्रियम जो होती है वो इनर लेयर होती है, सबसे इनसाइड वाली जो लेयर होती है, इनर लेयर जो होती है वो एंडोमेट्रियम होती है, वो स्पंजी लेयर होती है, और यहीं पे क्या होती है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एग की जो एग जब इम्प्लांट होता है तो वो एंडोमेट्रियम में होता है, और उसकी जो पूरी डेवलपमेंट होती है, फिर बाकी की डेवलपमेंट कहाँ होती है, एंडोमेट्रियम में होती है। उसके बाद जो मेन फंक्शन है यूट्रस का, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि रिसीव करता है, रिटेन करता है और नरिश करता है एक ओवम को, जो फर्टिलाइज ओवम होता है, और इसके अलावा क्या होता है, फिर जब सर्विक्स इज अ नैरो एंट्रेंस टू द यूट्रस फ्रॉम द वजाइना, सर्विक्स एक नैरो मतलब कि एक एंट्रेंस है, कहाँ से, यूट्रस से वजाइना तक की एंट्रेंस, ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन होती है, हो जाती है, तो क्या होता है उस वक्त सर्विक्स जो है वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, किससे, प्लग ऑफ म्यूकस से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो उस वक्त वो ब्लॉक नहीं किया जाता है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है और डेवलपमेंट चल रही होती है तो उस वक्त सर्विक्स को क्या किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, प्लग ऑफ म्यूकस, यानी कि म्यूकस की जो सिक्रीशन है, म्यूकस सिक्रीशन के जरिए उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, म्यूकस सेल्स होते हैं सर्विक्स की वॉल में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वजाइना का, वजाइना एक थिन वॉल है, थिन वॉल स्ट्रक्चर होता है, और 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, और एक्सटेंड करती है सर्विक्स से टू द एक्सटीरियर बॉडी। उसके बाद वजाइना को बर्थ कैनाल भी कहा जाता है, एज इट प्रोवाइड्स अ पैसेज वे फॉर डिलीवरी ऑफ एन इन्फेंट, सॉरी, ठीक है। उसके अलावा क्या है, यूरिथ्रा, अच्छा अभी हमारे पास स्ट्रक्चर है यूरिथ्रा का, यूरिथ्रा इज एम्बेडेड इन इट्स इंटीरियर वॉल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे है फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो भी सिस्टम है ना पूरा, उसका पूरा फंक्शन है यहाँ पर। अच्छा, आप किसी को आवाज का इशू है या फिर अभी भी, या फिर अब सही आ रही है आवाज?
अच्छा, उसके बाद क्या हमने कहां तक पढ़ लिया कि पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देख लिया, अब उसके फंक्शन देखने। नहीं बच्चे, ये चैप्टर मैंने यहीं से ही शुरू करवाया था, फीमेल से ही शुरू करवाया, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस इस तरह से दिखाए हुए हैं कि किस तरह से ओजेनेसिस होती है और किस किस तरह से यहाँ पे सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ओजेनेसिस का जो स्ट्रक्चर ये पूरा है ना, ये एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल नहीं है, ये पढ़ना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या किस तरह से होती है। अच्छा देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक ओगोनियम है और वो क्या है, वो हमारे पास 2n है, यानी कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंप्लीट क्रोमोसोम्स है, यानी कि डबल, क्या कहेंगे इसको, कि ये एक लाइक इसकी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी में हाँ डिप्लॉइड, सही है, ये डिप्लॉइड, ठीक है, ये डिप्लॉइड हमारे पास है ओगोनियम, और उसके बाद इसकी माइटोसिस होगी तब भी वो डिप्लॉइड रहेगा, लेकिन जब माइटोसिस हो जाएगी तो ये प्राइमरी ओसाइट जो बन जाएगा ना। अच्छा, ये जो हमारे पास दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि प्राइमरी ओसाइट अरेस्टेड इन प्रोफेज 1, तो ये जब है, जब हमारे पास बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है और उस वक्त ये साइकिल भी चल रही होती है, ठीक है। वो किस तरह से होता है कि जब हमारे पास FSH और LH लेवल होते हैं ना, उनकी बेस लाइन कंसेंट्रेशन होती है मदर से वो फीटस में वो होती है, ट्रांसफर होती है, क्योंकि देखो उस वक्त FSH और LH का काम नहीं होता जब प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है या जब डेवलपमेंट हो रही होती है, मदर की बॉडी के अंदर FSH और LH का काम नहीं होता, लेकिन उनकी कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होती है, वो बेस लाइन कंसेंट्रेशन कहलाती है। तो जो बेस लाइन कंसेंट्रेशन होती है उसी से क्या होता है कि जो बेबी है उसके अंदर या जो फीटस है उसके अंदर क्या होता है, ये जो साइकिल है ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और उसमें क्या होता है कि जो फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलपमेंट, उनकी कॉपीज बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और ये फॉलिकल्स कॉपीज होती रहती हैं इनकी, और कॉपीज होकर कहाँ पे अरेस्ट हो जाती है, यानी कि कहाँ पे रुक जाती है, प्रोफेज 1 पर, माइटोसिस के प्रोफेज 1 पर, ठीक है। उसके बाद जब ये बिफोर बर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद क्या होता है कि चाइल्डहुड ओवरी इरेक्टिव फ्रॉम प्यूबर्टी टू मीनोपॉज। अच्छा, नीचे वाला जो क्या है आपके पास, प्यूबर्टी टू मीनोपॉज का है, और उससे ऊपर वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है ये बिफोर बर्थ का आपको दिया हुआ है, और उसके बीच में क्या होता है, जैसे ही बर्थ हो जाती है तो ये जो चाइल्डहुड फेज होता है इसके अंदर ओवरीज इनएक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। बर्थ से पहले एक्टिव होती हैं और चाइल्डहुड के बाद क्या, बर्थ के बाद क्या होती है, इनएक्टिव हो जाती है।
अच्छा, जब प्यूबर्टी अटेन होती है तो फिर क्या होता है कि वहीं से जो अरेस्ट हुआ था वो फेज वन, तो वहीं से दोबारा कंटिन्यू होती है, हर हर फॉलिकल जो है वो वहीं पर अरेस्ट हो चुका होता है, तो उसकी हर फॉलिकल की जो दोबारा से साइकिल स्टार्ट होती है वो प्रोफेज वन से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो प्रोफेज वन से स्टार्ट होती है और वही प्राइमरी ओसाइट होता है उसकी, फिर मियोसिस वन होती है। ये अभी क्या है हमारे पास डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जब इसकी मियोसिस हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, मोनोप्लॉइड हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास इसमें जो क्रोमोजोम्स है वो हाफ हो जाएंगे और एक फर्स्ट पूरा बॉडी बनेगी और एक क्या बनेगा हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट बनेगा। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि इसको क्योंकि एग जो होता है वो दो में डिवाइड होता है मियोसिस के अंदर, और मियोसिस वन होती है अभी, तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, एक एक बनती है पोलर बॉडी और दूसरा बनता है ओसाइट, जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी ओसाइट का। तो इसी तरह सेकेंडरी ओसाइट की क्या होती है, सेकेंडरी ओसाइट को यहाँ पे दिया हुआ है कि सेकेंडरी ओसाइट फिर क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है इन मेटाफेज टू, जब क्या होता है ओव्यूलेटेड होता है, यानी कि इसकी ओव्यूलेशन हो जाती है। और अगर क्या होता है यहीं पर अरेस्ट हो जाता है, और अगर जब क्या होता है जब भी स्पर्म आता है, अगर इससे दो कंडीशन बताई हुई है, ठीक है, अगर स्पर्म आके इससे अटैच होगा और उसको फर्टिलाइज कर देगा तो क्या होगा, फिर ये आगे चला जाएगा और इसकी ओव्यूलेशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो, जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उस वक्त सेकेंडरी ओसाइट पे मेटाफेस मेटाफेस टू पर अरेस्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि इसकी फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर ये जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर क्या होता है कि इसकी ओव्यूलेशन होती है। सॉरी बच्चों, मुझे 5 मिनट का ब्रेक दो, मैं 5 मिनट बाद दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, रियली सॉरी। ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पर जैसे ही स्पर्म आता है और फर्टिलाइज करता है एग को, तो फिर क्या होता है उसी टाइम एट द सेम टाइम क्या होती है, मियोसिस टू होती है, पहले मियोसिस वन हुई थी, मियोसिस टू होती है और वो कंप्लीट होकर एक बनाती है पोलर बॉडी और दूसरी बनाती है जायगोट। ठीक है, और पोलर बॉडी इसलिए बनती हैं क्योंकि जो एग होता है ना वो मेक श्योर करते हैं कि जो भी साइटोप्लाज्म है पूरा वो पूरा का पूरा एक तरफ जाए, यानी कि एक सेल के पास जाए और सेकंड सेल के अंदर साइटोप्लाज्म ना जाए, क्योंकि उस सेल को जो यूट्रस के अंदर जाने के लिए, यानी कि यूट्रस तक जाने के लिए फेलोपियन ट्यूब के अंदर 6 to 7 days उसको स्पेंड करने हैं, तो उसके लिए उसके पास पूरी न्यूट्रिएंट होनी चाहिए और सब चीजें होनी चाहिए, तो इसीलिए एक पूरा बॉडी बनती है और दूसरी हमारे पास क्या बनती है, दूसरा सेल जो होता है उसके अंदर कंप्लीट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और जिसकी वजह से कंप्लीट साइटोप्लाज्म इधर प्रेजेंट होता है, सेकेंड पूरा बॉडी जो बनती है वो भी इसीलिए बनती है, फर्स्ट पूरा बॉडी भी इसीलिए बनती है, सेकंड पूरा बॉडी भी इसीलिए बनती है, क्योंकि उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता। अच्छा, जो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है ना प्राइमोर्डियल फॉलिकल, तो ये चीज आपको इधर से दिखाई हुई है, यानी कि ये आपको पूरा फॉलिकल दिखाया हुआ है, उसके अंदर की जो एग है तो उसको दिखाया हुआ है कि किस तरह से उस एग की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल है जो कि प्राइमरी ओसाइट के अंदर है ये वाला, और उसकी ग्रोइंग हुई ग्रोइंग फॉलिकल था ये, उसके बाद फिर ये मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, और फिर साथ में क्या हुआ, जैसे ही इसकी फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये फौरन से इसकी ओव्यूलेशन भी हो गई। ठीक है, और ओव्यूलेशन के बाद जो हमारे पास इसका वो था आउटर स्ट्रक्चर जो था हमारे पास वो कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि जिसको हम वो कहते हैं जिराफियन फॉलिकल, तो वो फौरन से कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो गया डिवीजन के जरिए। ठीक है,
इस तरह से ये चीज होती है यहाँ पर, ये साइकिल यहाँ तक, यहाँ पर इस तरह से होती हाँ, पोलर बॉडी जस्ट एक बनती है, वो इसलिए बनती है क्योंकि मियोसिस जो होती है, क्योंकि मियोसिस जब होती है तो मियोसिस में एक सेल दो सेल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने देख लिया कि इसके अंदर ये जो एग की डेवलपमेंट होती है और किस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये साइकिल, यहाँ पर हमारे पास ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया हमने और ये साइकिल पढ़ ली, ठीक है। अब इसके बारे में जो भी आपके पास ये लिखा हुआ ये पैराग्राफ आपने खुद पढ़ना है, और फिर कुछ समझना है तो पूछ लेना, क्योंकि ये सारा कुछ उसी के बारे में लिखा हुआ है कि किस किस तरह से कौन सी चीज डिवाइड होती है और कहाँ पे मियोसिस वन मियोसिस टू होती है। अच्छा, जो चीज मेन देखने की है ना वो ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और उसके हार्मोनल रेगुलेशन देखनी है हमें, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, आपके पास जब मियोसिस होती है, माइटोसिस में कितने सेल्स बनते हैं, फोर सेल्स बनते हैं, एक सेल डिवाइड होता है वो फोर सेल्स में डिवाइड होता है, ठीक है, ये बात तो सबको क्लियर है। अच्छा, जब मियोसिस होती है तो मियोसिस में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होता है तो वो टू सेल्स में डिवाइड होता है, ठीक है। और जब उसकी डिवीजन होती है तो क्या होता है कि जो हमारे पास सेल है उसको अब डिवाइड होना है, मियोसिस टू करनी है, परफॉर्म करनी है, मियोसिस वन परफॉर्म करनी है, कोई सी मियोसिस है, तो क्या होगा, वो डिवाइड इस तरह से होगा कि जो भी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म की और सेल की जो न्यूक्लियस है उसकी डिवीजन होती है ना पूरी, तो जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन को वो इस तरह से करेगा डिवाइड कि सारा साइटोप्लाज्म का जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, न्यूट्रिएंट्स जितने भी उसके अंदर है वो सारे एक ही सेल के पास जाएं और सेकेंड सेल के पास कोई साइटोप्लाज्म प्रेजेंट ना हो। तो जो सेकेंड सेल होता है जिसके पास साइटोप्लाज्म होता है वो क्या करता है, उसको सारा साइटोप्लाज्म एक सेल को दे देता है और दूसरे सेल के पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको हम नाम देते हैं पोलर बॉडी का, ठीक है। पोलर बॉडीज आगे जाकर डीजनरेट हो जाती है, उनका कोई काम नहीं होता आगे जाकर, क्लियर हो गया। बताओ मुझे, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ लो। आपके जो सर ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि देखो जब हमारे पास मियोसिस हो रही होती है ना तो उस वक्त डिवीजन कैसी होती है, जब मियोसिस के अंदर दो फेजेस होते हैं, एक माइटोसिस का फेज होता है, ठीक है, और उसके बाद मियोसिस का फेज होता है, तो माइटोसिस के फेज में दो सेल्स बनते हैं, यानी कि दो सेल्स में डिवाइड होता है एक सेल, और फिर तो जब ये सेल डिवाइड होता है, जब माइटोसिस हो रही होती है उसके अंदर, मियोसिस के अंदर जो हमारे पास माइटोसिस वाला फेज होता है तो उसमें डिवीजन होती है, दो सेल्स में डिवाइड होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो एक पूरा बॉडी बनती है और एक क्या बनता है, पूरा कंप्लीट जो हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या होता है, दोबारा जब मियोसिस टू होती है तो मियोसिस टू के अंदर ही क्या होता है कि अभी हमारे पास समझो मियोसिस टू चल रही है जिसमें एक पूरा बॉडी बन चुकी है और एक सेल बन चुका है, सेकेंडरी ओसाइट बन चुका है, और फिर सेकेंडरी ओसाइट की दोबारा से क्या होगी, डिवीजन होगी और उस पूरा बॉडी की भी डिवीजन होगी क्योंकि साथ साथ वो भी हो रहा है। तो जब सेकेंडरी ओसाइट की डिवीजन होती है तो क्या होता है, फिर से एक बार पूरा बॉडी बनती है और एक सेल बनती है, या जो सेकेंडरी ओसाइट बनता है, ठीक है,
और जो पोलर बॉडी की डिवीजन हुई थी या उसकी जो मियोसिस हुई थी, तो उसकी वजह से भी दो हमारे पास पोलर बॉडीज बनती है। तो इस तरह से टोटल कितनी बन गई, तीन हो गई। ठीक है, तो ये तीन जो होती है उनकी जो एनर्जी होती है वो आपके सर ने ऐसा कहा कि एक को दे देते, हालांकि उनके पास एनर्जी होती नहीं, उनको एनर्जी सेल देता ही नहीं, यानी कि ऐसा कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि सारी की सारी एनर्जी उन तीनों पोलर बॉडीज की कहाँ चली जाती है, सेकेंडरी ओसाइट को चली जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, आपने भी ठीक पढ़ा है और जो मैंने बताया वो भी बिल्कुल ठीक है। अब समझ में आ गया आपको बच्चे? चलो जी, ठीक हो गया। और किसी को उजने से समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आ चुकी है, मैं समझाऊं दोबारा से? बताओ भाई, मुझे किसी ने कहा था ऊपर कि उजनेसिस रिपीट कर दें, तो अभी रिपीट करूं बच्चे या फिर आगे कंटिन्यू करें? जल्दी से बता दो अगर रिपीट करवानी है। अच्छा देखो, ओजिनेसिस के अंदर मैंने क्या बताया कि बिफोर बर्थ का प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि किस तरह से जो है बिफोर बर्थ ये साइकिल चलती है और फॉलिकल्स डिवाइड होते हैं। फॉलिकल्स किस तरह से डिवाइड होते हैं कि ये साइकिल स्टार्ट होती है और किस वजह से होती है, FSH और LH की बेस लाइन कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होती है मदर के अंदर, तो वो फीटस में ट्रेवल होती है क्योंकि भाई हॉर्मोन्स भी ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और उनकी ट्रेवलिंग होती है और ट्रांसफर हो जाते हैं वो फीटस के अंदर। उसके बाद शुरू होती है उनके अंदर ओजिनेसिस की साइकिल, और उस वक्त सिर्फ क्या होता है कि माइटोसिस होती है और सेल्स डिवाइड होते हैं और रीडिवाइड होते हैं और वो प्राइमरी ओसाइट बन जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी ओसाइट बनते हैं और फिर जब उनकी क्या होता है कि दूसरी जब माइटोसिस होना स्टार्ट होती है प्राइमरी ओसाइट के अंदर, तो वो प्रोफेज वन में क्या होते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, यानी कि उसी वक्त उनकी जो डिवीजन है उसको रोक दिया जाता है। और हर हर फीटस के अंदर यही होता है कि प्रोफेस वन पे आकर प्राइमरी ओसाइट जो है वो अरेस्ट हो जाता है, उस वक्त उसके आगे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई? यहाँ तक समझ में आ गई सबको? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा देखो, जो फीटस के अंदर जब हमारे पास साइकिल स्टार्ट होती है तो वो कब स्टार्ट होती है? थर्ड मंथ से। ठीक है, यानी कि जो प्रेगनेंसी का थर्ड मंथ होता है उस वक्त से टिल द टाइम ऑफ बर्थ, उस वक्त ये प्रोसेस होता रहता है। और क्या होते हैं कि प्राइमरी ओगोनियम जो होते हैं वो कंटिन्यू उनकी जो होती है वो प्राइमरी ओगोनियम बनते जाते हैं, यानी कि प्राइमरी ओसाइट बनते जाते हैं और मिलियंस बन जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि बर्थ हो गई, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक ये साइकिल इनएक्टिव रहती है या फिर मतलब नहीं कंटिन्यू होती। उसके बाद जैसे ही हमारे पास प्यूबर्टी अटेन होती है, प्यूबर्टी अचीव करते हैं, तो फिर क्या होती है कि दोबारा से ये साइकिल वहीं से स्टार्ट होती है प्रोफेज वन से। ठीक है, कंटिन्यू होती है बल्कि, और फिर उसके बाद प्रोफेज वन से जब कंटिन्यू होती है तो ये उसके बाद उसमें क्या होती है, मियोसिस वन चल रही है। देखो ये क्या है, प्रोफेज वन क्यों लिखा हुआ, क्योंकि ये मियोसिस चल रही थी। ठीक है, तो मियोसिस वन इसमें कंटिन्यू होती है और मियोसिस जब कंप्लीट हो जाती है वन, यानी कि मियोसिस वन एक दफा मियोसिस कंप्लीट हो गई तो
उसमें क्या होता है, एक पोलर बॉडी बनती है और एक हमारे पास सेकेंडरी ऊसाइड बनता है, प्राइमरी ऊसाइड से सेकेंडरी ऊसाइड बनता है। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? अच्छा बताओ क्या कंफ्यूजन हो रहा है माइटोसिस और मियोसिस के अंदर? और अरेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि देखो अब बर्थ हो गई है, तो उसके बाद अगर बर्थ से ही ये सारी चीजें कंटिन्यू रहेंगी तो इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होगा। जैसे आपको पता है प्यूबर्टी अटेंड होने के बाद क्या होता है कि ये सारी डेवलपमेंट हमारी बॉडी के अंदर होती है और हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस भी होती हैं और कुछ कैरेक्टर्स भी हमारे अपियर होते हैं जो कि प्यूबर्टी से पहले नहीं होते। तो इस तरह की सारी चेंजेस होती हैं, तब भी प्यूबर्टी अटेंड होने के बाद ये साइकिल कंटिन्यू होती है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि जब एक पोलर बॉडी बन गई और एक सेकेंडरी ओसाइड है, अब सेकेंडरी ओसाइड वहीं रहता है जब तक उसके बाद क्या नहीं होती, जब तक उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइड क्या करेगा, कुछ दिनों तक, लाइक 7 डेज तक फैलोपियन ट्यूब के अंदर, या जो हमारे पास ट्यूब होती है ओवरियन ट्यूब जो होती है उसके अंदर वेट करता है कि स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज कर दे। और ये डेज आपने याद भी रखने हैं कि कितने डेज तक कौन से काम हो रहे होते हैं, कौन से फंक्शंस हो रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अच्छा फिर क्या होता है कि अगर इस पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो कहानी अलग है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर क्या होता है कि वो जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आगे उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है यूट्रस के अंदर, क्योंकि वो जैसे ही उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो साथ में क्या करता है, मियोसिस टू कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, मियोसिस टू यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, लिखा हुआ है कंप्लीटेड ओनली इफ फर्टिलाइज्ड। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी मियोसिस टू कंप्लीट होगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और ये क्या हो जाएंगी, दोनों बॉडीज डाई हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, डिजेनरेट हो जाएंगी और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास फिर से डिप्लॉइड जायगोट बन जाएगा। ठीक है, और ये जायगोट जो होगा फिर कहाँ पे, इसी का जो फर्दर डेवलपमेंट होगी वो फर्दर डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर कंटिन्यू होगी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? आप लोगों ने सेकंड ईयर में तो पढ़ा होगा ना बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि सेकंड ईयर वाला आपका कोर्स अभी तक कंप्लीट ना हुआ हो और सेल का चैप्टर नहीं पढ़ा हो किसी ने। जी पोलर बॉडीज डाई हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, उनका कोई काम नहीं होता आगे। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे जो आपको एरो बनाकर ये दिया हुआ है कि ये ओव्यूलेशन हो रही है, तो ओव्यूलेशन कब होगी, जैसे ही ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो साथ ही साथ इसकी ओव्यूलेशन हो जाएगी और फिर ओव्यूलेशन होने के बाद ही ये कहाँ जाएगा, यूट्रस के अंदर जाकर एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा और वहीं पर उसकी डेवलपमेंट होगी और फर्दर ग्रो करेगा ये एग। ठीक है, समझ में आ गई आपको सारी चीज़ें इसमें? ओके गुड, चलो अब देखो यहाँ पे एक साइक्लिक इवेंट होता है पूरा, किस तरह से जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं और किस किस तरह से एग जो है वो मैच्योर होता है और पहले कैसा होता है, और इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई हैं आपको। तो इसको, इस साइकिल को नाम दिया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पढ़ते, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं। ठीक है, तो और इसको डिवाइड किया जाता है टू फेजेस के अंदर, फर्स्ट फेज होता है ओवेरियन फेज और दूसरा होता है यूट्राइन फेज, यानी कि जो भी चेंजेस होती हैं ओवरी के अंदर, ओवरी से लेकर यूट्रस तक पहुंचते पहुंचते चेंजेस जो हो रही होती हैं उन सारी चेंजेस को कहा जाता है ओवेरियन साइकिल के अंदर, वो सारी चेंजेस आती हैं। और उसके बाद जब यूट्रस के अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी चेंजेस होती हैं, उनको हम यूट्राइन साइकिल का नाम देते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमारे पास ये है एक प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, और उसके बाद जैसे ऊपर हमने देखा कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल उसी को कहते हैं, फिर ये ग्रोइंग फॉलिकल है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये एक एग सेल है। ठीक है, ये एक एग का सेल बन गया और ये फॉलिक्यूलर सेल बन गया, फॉलिक्यूलर सेल्स यानी कि जो फॉलिकल के अपने सेल्स थे और एक जो था हमारे हमारे पास जो कि फॉलिकल ग्रो कर रहा था और
उसको क्या कहा, एक सेल बन गया अब, ठीक है। सॉरी, तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, जो फॉलिकुलर सेल्स हैं और एग सेल्स हैं, इनकी क्या होगी, फर्दर ये ग्रो करेंगे फॉलिकुलर सेल्स, और ये किस तरह से, इनके अंदर ना एक साइटोप्लाज्म टाइप या एक फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, फ्लूइड स्ट्रक्चर, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा, और साथ में जो हमारे पास एग है वो भी ग्रो करता रहेगा, ठीक है, उसकी ग्रोइंग जो है वो चलती रहेगी, और साथ ही साथ जो फॉलिकुलर सेल होगा वो भी ग्रो करता रहेगा, और फिर वो क्या होगा, मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा एक टाइम पर आकर, कुछ टाइम बाद, और ये फॉलिकुलर फ्लूइड जो होगा उससे क्या होगा कि फॉलिकुलर फ्लूइड और जो एग सेल है वो मैच्योर फॉलिकल के अंदर जो होगा वो, अच्छा, जब ये अटेन कर लेगा और ये बिल्कुल मैच्योर एग बन जाएगा, तो क्या होगा कि इसकी जो ओव्यूलेशन हो जाएगी, यानी कि जो उसकी क्या कहेंगे, बाउंड्री है या मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगी, ठीक है, मैच्योर फॉलिकल हो जाएगा, यानी जब उसकी बिल्कुल मैच्योरिटी अटेन हो जाएगी तो उसकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि एग की एक प्रोटेक्टिव सेल की, यानी कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मिल जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि ओव्यूलेशन हो गई है। उसके बाद क्या होगा, ओव्यूलेशन हो गई और ये एग कहाँ चला जाएगा, ये एग चला जाएगा हमारे पास ओवेरियन ट्यूब के अंदर, ठीक है, या फॉलिकल ट्यूब के अंदर चला जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अच्छा, जो बाकी हमारे पास फॉलिकल होगा, जो एम्प्टी फॉलिकल है या जो मैच्योर फॉलिकल था पहले, तो वो एम्प्टी फॉलिकल किसमें, वो डी डिवाइड होगा, और जरूरी नहीं है कि बिल्कुल अरेंजली डिवाइड हो, यानी कि बिल्कुल सही से डिवाइड हो, वो रीडिवाइड होगा किसी भी तरीके से, और वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस सीडियम के अंदर, ठीक है। और फिर कॉर्पस सीडियम से क्या करेगा, कॉर्पस सीडियम आखिर में क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई कि किस किस तरह से फॉलिकल ग्रो करता है, और उसके बाद फिर उसके अंदर एग सेल ग्रो करता है, और एग सेल की ओव्यूलेशन किस तरह से होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है, मुझे ये बताओ। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो भी एग वहीं पर वेट करेगा 6 to 7 days, और फिर उसकी हो जाएगी दोबारा से क्या होगा, वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ये होगा, और वो जो एग होगा वो भी उसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ही मतलब डिजेनरेट हो जाएगा, और साथ ही साथ वो भी उसी के साथ डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब साइकिल के साथ ही वो भी खत्म हो जाएगा, और फिर न्यू साइकिल पूरी दोबारा से स्टार्ट होगी, और फिर से वो एग का प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है। ओव्यूलेशन का मतलब ये है कि जो ओवरी से जब एग निकलता है और वो कहाँ जाता है, जंप करता है फेलोपियन ट्यूब पे, या फिर जो ओवेरियन ट्यूब है, तो उसको हम नाम देते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। और वहां से जब वो यूट्रस के अंदर पहुंचता है, तो पूरा जो है वो यूट्रस तक पहुंचने वाला जो प्रोसेस होता है उसको ओव्यूलेशन कहते हैं या इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पर क्या है, आपके पास ये साइकिल के अंदर इवेंट्स हैं, और कौन कौन से, दो हमने पढ़ लिए थे कि ओवेरियन साइकिल होती है और दूसरी होती है यूट्राइन साइकिल, ठीक है, या यूट्राइन फेज। तो ओवेरियन साइकिल के अंदर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड विद द हार्मोन्स। अच्छा, यहाँ पे क्या होते हैं कि हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं इस ओवेरियन साइकिल के अंदर, और जाहिर सी बात है जब ओवेरियन साइकिल होगी तो साथ में यूट्राइन साइकिल के अंदर भी हॉर्मोन्स, यानी कि इस पूरी साइकिल के अंदर सारा काम, मेन जो काम होता है ना वो हॉर्मोन्स का होता है। और वो कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, उनको कहा जाता है गोनेडोट्रोपिन्स का, उनको क्या नाम दिया जाता है, गोनेडोट्रोपिन्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, जो हार्मोनल रेगुलेशन है ना उसके लिहाज से हम साइकिल को 3 phases में डिवाइड करते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज, ठीक है। तो
फेज के अंदर जो इसके डेज है, मैच्योर फेज कितने डेज का होता है? 1 to 5 days, ठीक है, और ये डेज याद रख लेना आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैच्योरेशन फेज के अंदर यूटरस शेड्स ऑल बट द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ इट्स एंडोमेट्रियम। जो मुझसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि जो हमारे पास मैच्योर फेज है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और एंडोमेट्रियम में जब हमारे पास एग उस वक्त तो इम्प्लांट नहीं हुआ हुआ होगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, लेकिन एंडोमेट्रियम जब शेड ऑफ होगी, अच्छा देखो जब हमारे पास एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाती है तो वो फिर से कहाँ से आती है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर आप लोगों को आगे मिलेगा कि एंडोमेट्रियम तो भाई शेड ऑफ हो गई है तो वो फिर से कैसे डेवलप होती है और क्या होता है। तो क्या होगा, शेड ऑफ हो जाएगी एंडोमेट्रियम यूट्रस की जो बिल्कुल इनर लेयर होती है, इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, और किस तरह से होगी, डिटैच हो जाएगी यूट्राइन से, और उसकी जो प्रोसेस होगा ये पूरा प्रोसेस 3 to 5 days का होगा, और इस तरह से ये जिस तरह से एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है इसी के साथ साथ वो फॉलिकल भी क्या हो जाएगा, शेड ऑफ हो जाएगा। अच्छा जैसे जैसे ये क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज ओवेरियन हार्मोन्स आर एट देयर लोवेस्ट नॉर्मल लेवल्स एंड गोनेडोट्रोपिन्स आर बिगिन टू राइज, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन्स जो है वो राइज होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये जब साइकिल यानी कि जो स्टेज स्टार्ट होता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो भी हार्मोन्स होते हैं ओवेरियन के यानी कि ओवरी के हार्मोन्स उनका लेवल कम होता है, लेकिन गोनेडोट्रोपिन्स जो होते हैं आहिस्ता आहिस्ता रेज करना स्टार्ट होते हैं, और जब ये 5 days कम्प्लीट हो जाते हैं तो फिर FSH क्या होता है उसका लेवल बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, और FSH का लेवल क्यों बढ़ता है ये आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो फॉलिकल को मेच्योर करवाता है यानी कि उसकी ग्रोइंग जो होती है वो फॉलिकल को ग्रो करवाता है, इसीलिए इसका नाम भी उसी तरह से ही दिया हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अच्छा ये आपके पास जो पहला फेज था ये क्लियर है सबको, मैच्योर फेज क्लियर है 3 to 1 to 5 days का, ठीक है, उसके बाद क्या होता है प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है, इस फेज को नाम दिया जाता है प्रोलिफरेटिव फेज का या प्री ओव्यूलेटरी फेज का, और ये होता है day 6 to day 14। अच्छा इसमें क्या होता है कि राइज इन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, और क्या होता है फ्यू ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, और वो फॉलिकल्स क्या होते हैं कॉम्पीट करते हैं दूसरे से, यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन होता है, और कोई जो भी डोमिनेंस हो जाता है यानी कि जो अपने आप को बहुत ज्यादा डोमिनेंट दिखाता है फिर उसी को क्या किया जाता है कोई एक फॉलिकल उनमें से उसको चुन लिया जाता है और फिर उसकी मेच्योरेशन होती है और वो कम्प्लीट मेच्योर होता है, ठीक है, ये फॉलिकल यहाँ पे भी क्या होते हैं अब एक दूसरे से मुकाबलाबाजी कर रहे होते हैं। और जो फॉलिकल्स ग्रो करना बंद कर देते हैं यानी कि जिनकी ग्रोइंग जिनको ग्रो करने से मना कर दिया जाता है तो उन फॉलिकल्स को नाम दिया जाता है फॉलिकल एट्रेजिया का, ठीक है, मतलब उस वक्त फॉलिकल एट्रेजिया हो जाता है, सिर्फ एक डोमिनेंट फॉलिकल जो होता है वो कंटिन्यू होता है उसकी मेच्योरेशन कंटिन्यू होती है और उसको फिर जिराफियन फॉलिकल या फिर वेसिकुलर फॉलिकल का नाम दिया जाता है, और उसके बाद ही उसी के अंदर ओजेनेसिस साइकिल जो है वो पूरी परफॉर्म होती है, ठीक है। ब्लीडिंग का उन्होंने कहा है 3 to 5 days मैक्सिमम यानी कि 1 से लेकर 3 to यानी कि 3 days मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है ब्लीडिंग या फिर 5 days मैक्सिमम, ठीक है, तो ये इन्होंने ये नहीं कहा कि 3 to 5 day, 3rd to 5th day नहीं कहा, उन्होंने कहा है 3 to 5 days ब्लीडिंग होती है, तो ये थर्ड और थ्री में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है।
ठीक हो गया। अच्छा क्या होता है FSH, क्या होता है स्टिमुलेट करवाता है किसको, जिराफियन फॉलिकल को, और उससे इस्ट्रोजन क्या होता है सिक्रीट होना स्टार्ट होता है। इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारे पास ये ओवेरियन हॉर्मोन्स हैं, ठीक है। और गोनेडोट्रोपिन्स कौन से हैं, FSH और LH। और जो इस्ट्रोजन है हमने पहले एक जगह देखा था उस एनिमेशन के अंदर कि ईस्ट्रोजन से क्या होता है कि वेस्कुलराइजेशन होती है और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होती है वो वेस्कुलराइज होती है, ठीक है। और मेन काम जो उसको वेस्कुलराइज करने का या जो उसको डेवलप करने का काम होता है वो प्रोजेस्टेरोन का होता है, लेकिन ईस्ट्रोजन का भी रोल होता है इसकी लाइनिंग को, यूट्रस की लाइनिंग को डेवलप करने में। अच्छा फिर क्या होता है, म्यूकस जो होता है वो थिक और स्टिकी होता है, बट राइजिंग ईस्ट्रोजन लेवल कॉज इट टू थिन एंड बिकम क्रिस्टलाइन फॉर्मिंग चैनल्स दैट फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस। अभी ऊपर हमने क्या देखा था कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो सर्वेक्स क्या होता है ब्लॉक हो जाता है बाय म्यूकस, लेकिन जब जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है कि FSH का लेवल राइज होता है और ईस्ट्रोजन का लेवल राइज होता है तो म्यूकस क्या हो जाता है थिक से थिन हो जाता है, ताकि पैसेज मिले किसको स्पर्म को, स्पर्म को एक रूट मिले कि वो ट्रैवल करके कहाँ तक पहुँच सके, सेकेंडरी ओसाइट तक पहुँच सके। तो इसके लिए सर्विक्स जो होता है वो अपने म्यूकस को बिल्कुल थिन कर देता है ताकि और क्रिस्टलाइन कर देता है पैसेज प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, ईस्ट्रोजन हैज नेगेटिव फीडबैक अपॉन FSH के, FSH की कंसेंट्रेशन को वो क्या करता है उसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक करता है और उसकी कंसेंट्रेशन को ऐसा ऐसा ड्रॉप आउट करना शुरू कर देता है, कम करना शुरू कर देता है। और ये जो सिग्नल होता है ये किसके लिए सिग्नल होता है, ये LH के रिलीज का सिग्नल होता है कि भाई आपके पास क्या है, ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया, FSH कम हो गया, तो अब काम किसका शुरू हो गया, LH का शुरू हो गया, तो LH रिलीज होता है। और एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज या फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज जो कि डे 14 है, डे 14 के एंड पर क्या होता है कि LH क्या होता है रिलीज होता है, सडन रिलीज ऑफ LH होता है और वो क्या कर मैच्योर फॉलिकल को कहाँ से ओवरी से ले जाता है कहाँ ठीक है। अच्छा अगर किसी को लग रहा है मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ तो मुझसे पूछ लेना दोबारा से अगर कुछ समझ नहीं आए, और आई होप यहाँ तक सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब मुझे बता देना कि किसी को समझ नहीं आ रहा तो। अच्छा फिर क्या होता है कि क्या करते हैं, ओव्यूलेशन करवाते हैं, दिस इवेंट इज नोन एज ओव्यूलेशन। ये क्या होता है ओव्यूलेशन किसको कहते हैं, जब हमारे पास एग रिलीज होगा, कहाँ से रिलीज होगा, ओवरी से रिलीज होगा, और रिलीज होकर कहाँ जाएगा, ओविडक्ट तक जाएगा या फेलोपियन ट्यूब तक जाएगा, और इसको लेस देन 5 मिनट्स लगते हैं। यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है कि कितने मिनट में ये ओव्यूलेशन का फेस पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अच्छा और जो LH होता है ना, LH एक और काम करता है, वो क्या काम क्या करता है कि वो जो रप्चर फॉलिकल होता है जिससे ओव्यूलेशन हुई होती है उस रप्चर फॉलिकल को कन्वर्ट कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। अच्छा देखो यहाँ पे LH दो काम कर रहा है, एक ओव्यूलेशन काम कर रहा है और दूसरा कॉर्पस ल्यूटम बनाने का काम कर रहा है। ओवेरियन हॉर्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, और गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं FSH और LH, ठीक है। अच्छा देखो भाई वो तो फेज हो गया, कौन सा फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब ये कौन सा फेज है, सिक्रीटरी फेज या फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो इसके अंदर फिर क्या होता है कि ये डे 15 से शुरू होता है और डे 28 तक जाता है, और इसको कौन सा फेज कहेंगे, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को हम नाम देते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा था ये यूट्राइन फेज है, ठीक है, यूट्राइन स्टेज या यूट्राइन फेज है। अच्छा सिक्रेटरी फेज में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया जाता है इम्प्लांटेशन के लिए, और किसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन के लेवल को हाई किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। LH ने रप्चर फॉलिकल को कन्वर्ट किया था कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, अब कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है कि वो रिलीज करे प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। और
जो फंक्शनल लेयर होती है, अच्छा जो इस यूट्रस के अंदर लेयर्स होती है ना, एक फंक्शनल लेयर होती है जो कि एंडोमेट्रियम होती है। तो एंडोमेट्रियम को ये क्या करते हैं, प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए। और यूट्राइन ग्लैंड्स इनलार्ज होते हैं, कॉइल होते हैं और बिगेन सीक्रीटिंग न्यूट्रिशियस ग्लाइकोजन इनटू यूट्राइन कैविटी। अच्छा देखो, अब जो एग आने वाला है उसके लिए कर रहे हैं, यानी कि सीक्रीट हो रही है न्यूट्रिशन, और वो न्यूट्रिशन किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है, मेन एनर्जी सोर्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सस्टेन द एम्ब्रियो अंटिल इट हैज इम्प्लांटेड इन द ब्लड रिच एंडोमेट्रियल लाइनिंग। और इस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स एंडोमेट्रियम तक पहुंचने के लिए, यानी कि जो हमारे पास एम्ब्रियो है, अब एम्ब्रियो है वो क्या करता है, उसको ट्रेवल होके आने में, यूट्रस तक आने में टाइम लगता है। तो यूट्रस तक आने के लिए उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स यूट्रस ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यूट्रस के ग्लैंड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और फिर वो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग में आ जाते हैं, तो फिर उसको कोई मसला ही नहीं होता, क्योंकि वो ब्लड रिच है, ठीक है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको वेस्कुलराइज किया गया है, इसी काम के लिए तैयार कर लिया पहले से। अब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होती है तो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बिगिंस टू डीजनरेट टुवर्ड द एंड ऑफ द सीक्रेटरी फेज एज एलएच ब्लड लेवल डिक्लाइंस। LH के लेवल्स डिक्लाइन हो जाते हैं अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, और प्रोजेस्टेरॉन भी क्या होता है, उसकी भी उसके लेवल्स भी कम होना स्टार्ट हो जाते हैं एट द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज, लाइक 25 और 26 डे इस तरह से। और डिप्राइविंग द एंडोमेट्रियम ऑफ हार्मोनल सपोर्ट एंड एंडोमेट्रियल सेल्स डाई। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही खत्म होता है, तो एंडोमेट्रियम को जो सपोर्ट मिल रहा था वो सारा सपोर्ट खत्म हो जाता है, और एंडोमेट्रियम के सेल्स डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, सेटिंग द स्टेज फॉर मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन टू बिगिन ऑन 28th डे। तो ये सारी चीजें होती हैं ताकि फिर से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो सके, और क्या हो, मेंस्ट्रुएशन फिर से स्टार्ट हो जाए। और ये कब होता है, 28th डे होता है। लाइक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा मेंस्ट्रुअल स्टेज किसने कितने दिन का होता है, 1 to 5th डे। फिर 5th to 14th डे क्या होते हैं हमारे पास, प्री ओव्यूलेटरी फेज, और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है 15th to 28th डे। अच्छा जो 15th to 28th डे है ना, इससे भी कंफ्यूज मत होना, कि इसके अंदर कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं कि 15th to 21st डे क्या होता है, 21st डे, और फिर पूछते हैं कि 22nd to 28th डे कौन कौन सी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर होती हैं, कि इसको लाइन से याद रखना कि किस किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा यहाँ पर ना एक आपको दिखाया हुआ है ग्राफ की तरह बनाकर, कि कौन से डे कौन सी चीज़ें हो रही होती हैं। In human beings, menstrual cycle ceases around 50 years of age and it's termed as menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive cycle life of females and extends between menarche and menopause. अच्छा जो puberty attain करते हैं, तो first menstruation को यहाँ पे नाम दिया हुआ है menarche, ठीक है। और जब menstruation हमारे पास arrest हो जाती है या फिर cease हो जाती है, उसको नाम देते हैं menopause का। अच्छा दोबारा बता देती हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, कि एफएसएस की जो पीक कंसंट्रेशन होती है वो कौन कौन से डे होती है। पीक कंसंट्रेशन सबसे पहले ऊपर देखो, पीक कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, पीक डेज ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। एफएसएस स्टार्ट से होता है प्रेजेंट, लेकिन पीक कंसंट्रेशन 7th to 8th डे होती है। एलएच की कंसंट्रेशन कब होती है, 13th to 14th डे। देखो एफएसएस जब आया और उसकी कंसंट्रेशन पीक पे चली गई, तो एलएच क्या हो गया, सीक्रेट होना शुरू हो गया। लेकिन इसकी कंसंट्रेशन पीक कब होती है, जब हाई कंसंट्रेशन होती है, तो वो कौन से डेज में होती है,
13वें दिन और 14वें दिन यानी कि 13 और 14 डे होती है। उसके बाद साथ ही साथ क्या होता है, जब LH की कंसेंट्रेशन हाई होती है तो उसी दौरान ईस्ट्रोजन क्या होता है, रिलीज होना शुरू हो जाता है, और ईस्ट्रोजन की कंसेंट्रेशन 12 to 14 डे हाई होती है यानी कि पीक पर होती है। जैसे रिलीज होता है फॉरन से उसकी कंसेंट्रेशन क्या होती है, पीक पर पहुंच जाती है। देखो कंसेंट्रेशन ना यहाँ पर दी हुई पीक वाली, ईस्ट्रोजन रिलीज कब होता है, जैसे ही LH क्या होता है उसकी कंसेंट्रेशन हाई होना शुरू हो जाती है, यानी कि 14 पर तो हाई होती है लेकिन जैसे ही स्टार्ट होती है ना पीक पर जाने के लिए तो उसी वक्त ईस्ट्रोजन भी रिलीज हो जाता है, और जैसे ही ईस्ट्रोजन रिलीज होता है तो साथ ही साथ LH की कंसेंट्रेशन हाई हो जाती है, और साथ ही ईस्ट्रोजन की कंसेंट्रेशन भी उसी वक्त हाई होती है। और दूसरा आगे लिखा हुआ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले भी ईस्ट्रोजन की कंसेंट्रेशन हाई होती है, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है, वो उसको देख रहा होता है यूट्रस की लाइनिंग को, यूट्रस की वॉल्स को देख रहा होता है। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसकी कंसेंट्रेशन भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले हाई होती है, 20 डे से 28 डे तक प्रोजेस्टेरोन की कंसेंट्रेशन हाई रहती है। अब क्लियर हो गया? ओके अच्छा भाई, तो अब ये देख रहे हैं यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे और ये सिस्टम पूरा पढ़ें, ठीक है। तो भाई हमारे पास क्या होते हैं मेन फंक्शंस और सिस्टम, यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है कि किस किस तरह से कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस और मेंटेन करना होता है स्पर्म्स को, बहुत ही आसान सा काम होता है इसका, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपके पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर याद रखा जाए अच्छी तरह से। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, गोनेड्स, एसेसरी डक्ट्स या एसेसरी ग्लैंड्स, और उसके अलावा कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। तो ये चार चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें, गुनेट्स हो गए, एसेसरी डक्ट्स हो गई, एसेसरी ग्लैंड्स और कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। तो गुनेट्स के अंदर टेस्टिस आते हैं और एसेसरी डक्ट्स के अंदर एपिडिडिमस, डक्टस डिफेंस या फिर इजैक्युलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा, ये चार चीजें आ जाती हैं। उसके अलावा एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपुलेटरी ऑर्गन के अंदर पेनिस। तो ये सारी चीजें हमारे पास मेन स्ट्रक्चर उन्होंने बता दिया। अब आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, किस किस तरह से लिविंग हुई हुई इनको देख लो। देखो लिविंग में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले स्ट्रक्चर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि टेस्टिस के अंदर सबसे पहले टेस्टिस होते हैं और वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं जो कि स्क्रोटम कहलाते हैं, ठीक है। स्क्रोटम से फिर हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर शुरू होता है, निकलता है, जो कि ये आपको नजर आ रहा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर जो एपिडिडिमस कहलाता है, ठीक है। एपिडिडिमस जाता है कहाँ तक जाता है, ये पूरा कंटिन्यू हो रहा है और कहाँ तक आ रहा है, ये सेमिनल वेसिकल्स, यानी कि एपिडिडिमस कंटिन्यू चलता है और सेमिनल वेसिकल्स तक पहुँचता है। लेकिन एपिडिडिमस जो है वो निकलते यहाँ से जब स्टार्ट हो रही है एपिडिडिमस की जो ट्यूब है उसको स्टार्टिंग में एपिडिडिमस कहा जाता है, फिर उसको डक्टस डिफरेंस का नाम दिया जाता है, ठीक है, डक्टस डिफरेंस।
और फिर आगे हमारे पास जो ट्यूब है उसके साथ ही कुछ हार्मोन जो कुछ ग्लैंड अटैच हुए वो होते हैं, कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। उनमें कौन से ग्लैंड होते हैं? सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ। ये तीन ग्लैंड होते हैं। और उसके बाद फिर इजेक्युलेटरी डक्ट होती है एंड देन प्रोस्टेट ग्लैंड उसके साथ ही होता है, बिल्कुल साथ प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इजेक्युलेटरी डक्ट के साथ। और इजेक्युलेटरी डक्ट फिर कहाँ जाती है? ये जाती है कहाँ तक? पेनिस तक, ठीक है। ये हमारे पास पेनिस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इजेक्युलेटरी डक्ट जाती है पेनिस तक और इसमें क्या है? कॉर्ड्स ऑफ इरेक्टिव टिश्यूज ग्लैंड्स पेनिस, मतलब यहाँ पे इरेक्टिव टिश्यूज होते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम पेनिस का नाम देते हैं, जहाँ पर इजेक्युलेटरी डक्ट आकर एंड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बीच में हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसकी जो किसके साथ? इसी के साथ आकर जो है वो उसके अटैच होता है। इसकी जो यूरिनरी ग्लैंड होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के साथ जो एक यूरिथ्रा होता है, ठीक है, यूरिटर जो, सॉरी यूरिथ्रा नहीं, यूरिटर। यूरिटर कहाँ पे जाती है? यूरिटर जो जाती है वो रेक्टम में जाती है। और जो हमारे पास डक्टस डिफरेंस है या जो इजेक्युलेटरी डक्ट है वो कहाँ जाती है? पेनिस में जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो यूरिन का जो हमारे पास सिस्टम होता है पैसेज का और स्पर्म का जो पैसेज सिस्टम होता है वो एक ही होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और जो मेन स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे फीमेल सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिहाज से थे वो सारे इन्होंने यहाँ पे दिखा दिए। और उसके बाद हम देख लेते हैं हर हर स्ट्रक्चर को डिटेल के अंदर कि उसकी क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ सबसे पहले गुनेट्स, और गुनेट्स के अंदर टेस्टिस आते हैं। टेस्टिस आर मेल गुनेट्स विच आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन इन द स्किन पाउच कॉल्ड स्पर्टम, ठीक है। ये आपके पास टेस्टिस का स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है कि ये हमारे पास टेस्टिस हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है यहाँ से लेकर ये पूरा स्ट्रक्चर टेस्टिस का है, ठीक है। और उसके साथ ही ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसके अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट है इसको स्क्रॉटम का नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये रेटी टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, जहां पर ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स आकर क्या हो रही है? कॉइल हो रही है, मतलब एक जगह पे जमा हो रही है। ये सारी सेमेनिफेरस कॉइल ट्यूब्यूल्स है और ये आकर रेटी टेस्टिस पे क्या होती है? कलेक्ट हो जाती है। और फिर ये आगे कहाँ जाती है? इनको ये इफरेंट डक्ट यूज कराती है, फिर आगे जाकर इफरेंट डक्टिकल्स कहते हैं इनको, ठीक है। इफरेंट डक्टिकल्स हो गई रेडी टेस्टिस और ये एपिडाइडमस। अच्छा, फिर ये यहाँ पे आकर क्या होती है? फिर से ये बहुत हाईली कॉइल्ड हो जाती है और फिर ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है? एपिडाइडमस का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है और इस तरह से ये क्या बनाती है? एपिडाइडमस। फिर एपिडाइडमस क्या होती है? एक ट्यूब में ओपन होती है जिसको ट्यूब का नाम जिस ट्यूब को नाम दिया जाता है डक्टस डिफरेंस का, ठीक है। और इसको एक और नाम दिया जाता है जो कि सिंग बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है और उसको नाम उसको वो नाम क्या है? वासा रेक्टा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको गुनेट्स का स्ट्रक्चर बता दिया और ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 to 300 लॉब्यूल्स। ये जो स्ट्रक्चर है ना जो आपको बीच में ये गैप नजर आ रहा है ये चीज ये है हमारे पास एक लॉब्यूल, ठीक है। ये एक लॉब्यूल दिखा रहे हैं, इस तरह के 250 to 300 लॉब्यूल होते हैं। ईच लॉब्यूल कंटेन 1 to 4 टाइटली कॉइल्ड सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। अब एक एक लॉब्यूल के अंदर कितने सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं? सेमेनिफेरस ट्यूब्स होती हैं कितनी? 1 to 4। ये जो ये आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है एक लॉब्यूल के अंदर ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, एक होगी या तो एक होगी या चार होंगी, मतलब एक से लेकर चार तक हो सकती हैं। उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर है? एसेसरी डक्ट्स हैं, ठीक है। एसेसरी डक्ट्स के अंदर
क्या क्या चीजें आती हैं? अच्छा, जो एस एस सी रिडक्स के अंदर चीजें हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स हैं, एक इसमें मेटोजोआ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जब एक दफा प्रोड्यूस हो जाता है इसमें मेटोजोआ, तो ये मूव करता है थ्रू आउट द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स और एंटर होता है ट्यूबुलर नेटवर्क में। जो हमने नेटवर्क देखा था ट्यूबुल्स का, उसको नाम दिया गया है रेटी टेस्टिस का, और रेटी टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजोआ की, स्पर्म की नहीं, स्पर्मेटोजोआ की फर्दर मेच्योरेशन होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? रेटी टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजोआ की फर्दर मैच्योरेशन होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द टेस्टिस बाय अ सीरीज ऑफ एफरेंट डक्टियोल्स, इफरेंट डक्टियोल्स। अच्छा, जब स्पर्मेटोजोआ फर्दर मैच्योर हो जाता है तो फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होती है, इफरेंट डक्टियोल्स के थ्रू। ठीक है, और फिर इफरेंट डक्टियोल्स के थ्रू उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है और कहाँ जाता है ये, आउट ऑफ द टेस्टिस। अभी क्या बताया कि आउट ऑफ द टेस्टिस जाते हैं, एपिडाइडर्मस इज कॉइल्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ टेस्टिस। अब एपिडाइडर्मस एक वही जो हमारे पास रेटी टेस्टिस चल रही थी या इफरेंट डक्टियोल्स थी, वही क्या होती है, फर्दर कॉइल हो जाती है और उसको एपिडाइडर्मस का नाम दे देते हैं। फिर एपिडाइडर्मस फंक्शंस इज द इन द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ द स्पर्म। कहाँ तक जाते हैं, जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो फर्दर मेच्योर होकर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो स्पर्म्स स्टोर होते हैं एपिडाइडर्मस के अंदर 6 to 7 days के लिए। ठीक है, और फर्दर स्टोरेज होती है और क्या होती है, इनके फंक्शंस जो होते हैं यानी कि इनकी मैच्योरेशन होती है और ज्यादा स्पर्म्स की। अच्छा, एपिडाइडर्मस क्या होती है, ओपन्स इनटू अनदर डक्ट कॉल्ड डक्टस डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस को नाम दिया जाता है वास डिफरेंस और स्पर्म डक का। ठीक है, और डक्टस डिफरेंस में क्या होता है, फिर जो ज्वाइन करती है किसको, डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स टू फॉर्म द शॉर्ट इजैक्युलेटरी डक्ट। और देखो एपिडाइडर्मस से लेकर एक स्टार्ट होती है डक्ट जिसको हम नाम देते हैं डक्टस डिफरेंस का, और डक्टस डिफरेंस से लेकर इजैक्युलेटरी डक्ट तक सेमिनल वेसिकल्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं वहां तक पूरी डक्टस डिफरेंस कंप्लीट चल रही होती है या रन करती है, और जैसे ही सेमिनल वेसिकल्स आते हैं तो उसके बाद से शॉर्ट इजैक्युलेटरी डक्ट फॉर्म हो जाती है। वो डक्ट पूरी वही चल रही है, बस उसके नाम दे दिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, उसके डिफरेंट नाम दे दिए। ठीक है, अच्छा, ईच इजैक्युलेटरी डक्ट एंटर्स द प्रोस्टेट ग्लैंड वेयर इट एम्प्टीज इनटू द यूरेथ्रा। ठीक है, तो इजैक्युलेटरी डक्ट क्या होती है, एंटर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स में, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स में एंटर होने के बाद कहाँ जाती है, यूरेथ्रा में जाती है। ठीक है, और यूरेथ्रा को एक और नाम दिया जाता है जो कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट एज इट कैरीज यूरिन एज वेल। यूरेथ्रा के फिर क्या कैरी करता है, देखो इजैक्युलेटरी डक्ट है तो इजैक्युलेटरी डक्ट एंटर हो रही है प्रोस्टेट ग्लैंड तक। एक्चुअली कौन एंटर कर रहा है, स्पर्म एंटर कर रहा है, कहाँ पर, इजैक्युलेटरी डक्ट से पहले स्पर्म कहाँ गया, प्रोस्टेट ग्लैंड तक, फिर वहां से वो गया यूरेथ्रा तक, और उसके बाद फिर वो कहाँ तक जाएगा, पेनिस तक जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और आगे स्ट्रक्चर दिया हुआ है किसका, कॉपुलेटरी ऑर्गन का। कॉपुलेटरी ऑर्गन मींस पेनिस। अच्छा ठीक है, फिर क्या होगा, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स हमारे पास है, पेनिस, पेनिस का स्ट्रक्चर है, और पेनिस का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से होगा, उसका काम क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ मेनी टिश्यूज दैट कैन फिल्ड विद ब्लड टू कॉज एन इरेक्शन। ठीक हो गया, अब यहाँ पे और थोड़ी सी चीजें यहाँ पे क्या बची है, एसेसरी ग्लैंड्स जो कि मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसमें, स्पर्म की, स्पर्म को पैसेज प्रोवाइड करने में।
A pair of seminal vesicles is located at the junction of sperm duct and ejaculatory duct. Seminal vesicles कहाँ पर present है? Seminal vesicle present है, देखो यहाँ पर, ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, एपिडिडिमस है, उसके बाद वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस, और फिर ये गया कहाँ तक, इजैक्युलेटरी डक्ट तक गया. इजैक्युलेटरी डक्ट कहाँ पर थी, इजैक्युलेटरी डक्ट कहाँ तक थी, सेमिनल वेसिकल्स तक, ठीक है. एट द जंक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट किसको कहा गया है, वास डिफरेंस को कहा गया है या डक्टस डिफरेंस को कहा गया है, और स्पर्म डक्ट के और इजैक्युलेटरी डक्ट के बीच में क्या होती है, या उनके बिल्कुल जहां पर दोनों, जिनकी जहां पर दोनों का जंक्शन हो रहा है वहां पर हमारे पास प्रेजेंट है क्या, स्पर्म, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है. और सेमिनल वेसिकल्स से फिर क्या होता है, देखो ये सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट है, ये आपके पास सेमिनल वेसिकल्स का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि यहाँ से जब इजैक्युलेटरी डक्ट आई, स्पर्म डक्ट आ रही है और यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स है ये, ठीक है. अच्छा, सेमिनल वेसिकल्स के बाद क्या होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एनसर्कल्स द यूरेथ्रा जस्ट बिलो द ब्लैडर. अब यहाँ पर ना आपको दिखाया हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर जो कि बिल्कुल साथ ही साथ है किसके साथ, ब्लैडर के साथ, ठीक है. और बिल्कुल नीचे, किसके नीचे, बिल्कुल ब्लो दी, जस्ट ब्लो दी कहाँ है, ब्लैडर, बिल्कुल ब्लैडर के नीचे सबसे पहले कौन से डक्ट्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है, और फिर काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसका एक और नाम दिया जाता है, ठीक है. और उसके बाद जब एंटर होगा स्पर्म यहाँ से इजैक्युलेटरी डक्ट में एंटर हो जाएगा, फिर आएगा कहाँ पर, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है, यूरेथ्रा से फिर जाएगा कहाँ तक, पेनिस तक. तो ये चीजें यहाँ पर आपको समझ में आ गई होंगी. अच्छा, अगर इसको, इसकी समरी करें हम कि किस किस तरह से जो है कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, तो इसकी समरी देख लो. यहीं पर देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये पेनिस, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, और टेस्टिस किसके अंदर होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्क्रॉटम का नाम दिया जाता है. स्क्रॉटम में जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर होते हैं लॉब्यूल्स, और लॉब्यूल्स के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्ट्रक्चर, स्पर्म के स्ट्रक्चर बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है, और फिर वो कहाँ जाते हैं, रेटी टेस्टिस के अंदर, ठीक है. रेटी टेस्टिस में उनकी फर्दर मैच्योरेशन होती है, और फिर वो इफ्रेंट डक्टिस के थ्रू एपिडिडिमस तक पहुंच जाते हैं. फिर एपिडिडिमस से वो कहाँ तक जाते हैं, डक्टस डिफरेंस तक, और फिर इस तरह से वो ट्रेवल, उनकी ट्रेवलिंग होती है, और कहाँ तक पहुंच जाते हैं वो, पेनिस तक या यूरेथ्रा तक. और बीच में क्या क्या, कौन कौन से ग्लैंड आते हैं, एसेसरी ग्लैंड जिसमें एक है सेमिनल वेसिकल, एक है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है. तो ये सारी चीजें यहाँ तक कंप्लीट हो जाती हैं. ये सारा स्ट्रक्चर है किसका, मेल, फीमेल का नहीं, सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है पूरा. तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि किस किस तरह से जो है वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और कहाँ पर कौन से प्रोसेस होते हैं. अच्छा, अब देख लेते हैं कि ये चीजें इन्होंने डायग्राम में किस तरह से इलेबोरेट की हुई है.
अच्छा यहाँ पे देखें कि किस तरह से इन्होंने क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल, यानी कि ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल का क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है और उस क्रॉस सेक्शन के अंदर से इन्होंने लेबलिंग करके बताई हुई डिफरेंट डिफरेंट्स कि कहाँ पर कौन सी चीज है वो क्या कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। सबसे पहले वही प्राइमोर्डियल जर्म सेल और माइटोटिक डिवीजन होगी उसकी, माइटोटिक डिवीजन होगी और वो बन जाएगा स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल, ठीक है, और फिर उसकी फर्दर डिवीजन से वो बनेगा स्पर्मेटोगोनियम जो कि अभी डिप्लॉयड होगा। फिर उसकी फर्दर माइटोटिक डिवीजन होंगी और वो बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। पहले क्या था, स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल, फिर स्पर्मेटोगोनियम एंड देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, और उसके बाद फिर जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा तब उसके अंदर मियोसिस वन होगी और मियोसिस वन कब होगी, जब प्यूबर्टी अटेन हो जाएगी, ठीक है। मियोसिस वन होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे और यहाँ पर पोलर बॉडीज नहीं बनेंगी बल्कि टू कंप्लीट सेल्स में डिवाइड होगा एक सेल, ठीक है, और वो सेल डिवाइड होके फिर उसकी फर्दर मियोसिस टू डिवीजन होगी और वो फर्दर फोर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और ये है अर्ली स्पर्मेटिड, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन होगी और सर्टोरी सेल्स क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। नाउ व्हाट इज सर्टोरी सेल्स, सर्टोरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक सेल होते हैं सर्टोरी सेल्स जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं स्पर्म को। तो जब स्पर्म को फर्दर न्यूट्रिशन मिलेगी और इस तरह से फिर वो फर्दर उनकी मैच्योरेशन होगी और फिर वो ग्रो कर जाएंगे स्पर्मेटिड से स्पर्म्स में, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक स्पर्म का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होता है और क्या काम कर रहा होता है। सबसे पहले ये हेड है, हेड का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और एक एक्रोसोम, ठीक है, और फिर नीचे क्या है, हेड के बाद नेक का स्ट्रक्चर है और नेक के साथ एक मिड पीस है जिसको जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। हेड नेक और मिड पीस देन लास्ट में टेल, ठीक है, टेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, या मतलब टेल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया टेल के अंदर रन करते हैं और जब भी माइटोकॉन्ड्रिया रन करते हैं तो वो स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्पर्म की मूवमेंट बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की मूवमेंट की वजह से होती है और माइटोकॉन्ड्रिया मूव करते हैं तभी वो टेल मूव करती है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आपके पास है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर हार्मोनल कंट्रोल दिखाया हुआ है कि किस किस तरह से कौन से हार्मोन्स कब रिलीज होते हैं। प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोनल सिक्रीशंस फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। द हाइपोथैलेमस रिलीजेस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। GnRH के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या है, ये एक रिलीजिंग फैक्टर है। यस, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स, ठीक है। अच्छा सर, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं रिलीज ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एंटीरियर पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, यानी कि सिंपली सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि GnRH इसको कंट्रोल करते हैं FSH और LH की सिक्रीशंस को। अच्छा, FSH स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस बाय स्टिमुलेटिंग द सर्टोरी सेल्स टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटिड्स, ठीक है। सर्टोरी सेल्स को क्या करते हैं, FSH स्टिमुलेट करवाते हैं ताकि जो स्पर्मेटिड्स हैं वो कन्वर्ट हो सके स्पर्म्स के अंदर। Sertoli cells are elongated cells found in the seminiferous tubules of the testes and they nourish the spermatids. अच्छा भाई यहाँ पे बताया है कि Sertoli cells किस तरह के cells होते हैं।
वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, सेमेलिफेरस टिब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटिड्स को। एलएच स्टिमुलेट्स लाइडिक सेल्स, इसको पढ़ेंगे लाइडिक सेल्स, टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, एलएच के ना दो काम यहाँ पे बताए हुए, एक तो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को और दूसरा लाइडिक सेल्स को स्टिमुलेट करवाता है ताकि वो रिलीज करें टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, किसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ करता है, जर्मिनल एपिथीलियम की, टू फॉर्म स्पर्म्स। मतलब जो एपिथीलियम सेल्स है ना, सटोरी सेल्स हैं और एपिथीलियम है, किसके अंदर, सेमेलिफेरस टिब्यूल के अंदर जो जर्मिनल एपिथीलियम है उसको, सेमेलिफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्म प्रेजेंट है और स्पर्म की जो जर्मिनल एपिथीलियल है उसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं ताकि वो क्या करें, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स को कन्वर्ट कर दे, यानी कि स्पर्मेटिड को कन्वर्ट कर दे स्पर्म्स में। और इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय द सटोली सेल्स एंड सर्व्स टू कंट्रोल द स्पर्मेटोजेनेसिस एट नॉर्मल रेट। अच्छा देखो, जब यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि इनहिबिन हार्मोन है जो कि सटोली सेल्स को, सटोली सेल्स उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं खुद इट सेल्फ, और वो क्या काम करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करने का काम करते हैं ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस एक पर्टिकुलर रेट तक हो सके और पर्टिकुलर वो बन सके, स्पर्म्स बन सके, ना उनकी बहुत ज्यादा कमी हो सके हो या ना ही उनकी बहुत ज्यादा ज्यादती हो सके, ज्यादती हो, ठीक है। और ये एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया हुआ है कि किस किस तरह से, कौन से डे पर, कौन से वक्त पर जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी कि जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, GnRH है, वो क्या करते हैं, वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर जाते हैं कहाँ तक, एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से 2A में क्या है, ए और बी क्यों दिया हुआ है, LH रिलीज करते हैं, रिलीज होता है FSH से पिट्यूटरी ग्लैंड से, और FSH भी रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। तो इसलिए उसके बाद फिर 3A में क्या है, LH स्टिमुलेट्स द इंटरस्टीशियल सेल्स टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, ऊपर क्या लिखा होता है, LH स्टिमुलेट द लाइडिक सेल्स टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, और यहाँ लिखा हुआ है इंटरस्टीशियल सेल्स, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, लाइडिक सेल्स इंटरस्टीशियल सेल्स ही होते हैं, ठीक है जी। लाइडिक सेल्स भी सेमेलिफेरस टिब्यूल्स के अंदर होते हैं और जिस तरह से सटोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसी तरह से। तो LH स्टिमुलेट करता है लाइडिक सेल्स को, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, और FSH स्टिमुलेट करता है सेमेलिफेरस टिब्यूल्स को टू प्रोड्यूस स्पर्म। मतलब स्पर्म प्रोड्यूस हो जाएंगे उसके बाद फिर उसी एट द सेम टाइम क्या होगा, जो टेस्टोस्टेरोन है वो रिलीज होना स्टार्ट होंगे, और साथ ही साथ जो सटोली सेल्स हैं वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे स्पर्म्स को। उसके बाद 4 में यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। नेगेटिव साइन क्यों लगा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन इनहिबिट्स LH एंड FSH प्रोडक्शन इन द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जैसे ही जैसे LH ने क्या किया, एक तो उसने इतना अच्छा काम किया था कि टेस्टोस्टेरोन को रिलीज होने की इजाजत दी थी, और फिर टेस्टोस्टेरोन आके क्या करता है, उसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक कर देता है और LH और FSH दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको माइनस का साइन नजर आ रहा है, और इस तरह से ये हार्मोनल साइकिल या हार्मोनल कंट्रोल होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, हर बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे देख लो कि कॉजेस को किस तरह से पढ़ाया गया है, किस तरह से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले एजियोस्पर्मिया, एजियोस्पर्मिया हैविंग नो स्पर्म्स, यानी कि स्पर्म एब्सेंट होंगे। ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म काउंट होगा बिलो 20 मिलियन पर मिलीलीटर, ठीक है, उस कंडीशन को कहा जाता है ओलिगोस्पर्मिया। देन स्पर्म की डिफॉर्मिटी होगी, यानी कि स्पर्म का शेप चेंज हो जाएगा। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, यानी कि स्पर्म्स को एंटीबॉडीज को अटैक करके उनके काउंट को कम कर रही होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई इसके अंदर, मेल इनफर्टिलिटी के अंदर ये कॉजेज हो गए। फीमेल के अंदर क्या कॉजेज देखे, कि फेलियर टू ओव्यूलेट, यानी कि LH और FSH की कंसंट्रेशन कम होगी और इतनी ज़्यादा नहीं होगी जिस तरह से चाहिए होती है।
ओविडक ब्लॉक होगा, यानी कि अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगी, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी तो वो ऑब्वियसली इनफर्टिलिटी कॉज करेगी। उसके बाद यूट्रस की डैमेज, यूट्रस किस तरह से डैमेज होगा कि वहाँ पे फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ हो जाएगी, और ये क्या होते हैं, ये ट्यूमर्स होते हैं, यानी कि लाइक ट्यूमर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, तो उसको कहा जाता है कि फाइब्रॉइड्स होंगे, और फाइब्रॉइड्स की वजह से यूट्रस डैमेज हो जाएगा, और जब यूट्रस डैमेज होगा तो उनकी वॉल्स को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया जा सकेगा, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होगी। और लास्टली क्या होगा कि सर्विक्स का जो म्यूकस होता है उसको थिनर होना चाहिए, लेकिन वो थिक होगा, और जिसकी वजह से इसको हमको स्विम करने के लिए सही उसको पाथवे नहीं मिल पाएगा, और वो एग तक नहीं पहुंच सकेगा। तो ये भी एक क्या है, इनफर्टिलिटी कॉजिंग रीजन है। उसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस, इट इज अ कंडीशन वेयर स्मॉल पीसेस ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट ग्रोइंग इन अदर प्लेसेस सच एज द ओवीज। देखो जो एंडोमेट्रियम है ना, उसके कुछ पीसेस या उसकी जो ग्रोथ है वो कहीं किसी और जगह पर, एंडोमेट्रियम कहाँ पे ग्रो होना चाहिए, यूट्रस में, लेकिन वो ग्रो कहाँ पे होगा, ओवरीज के अंदर। दिस कैन कॉज इनफर्टिलिटी बिकॉज इट्स बिकम डिफिकल्ट फॉर एन एग टू बी रिलीज एंड बिकम इम्प्लांटेड इन द वोम, और जिसकी वजह से क्या होगा, जब ओवरीज के अंदर ही एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी तो ओवरीज के अंदर एग जो होंगे वो फिर कहाँ जाएंगे, उनकी इम्प्लांटेशन कहाँ होगी जब एंडोमेट्रियम ही ओवरीज के अंदर होंगे, तो फिर ये भी कॉज करेगा इनफर्टिलिटी को, ठीक है। और इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में कौन कौन सी ट्रीटमेंट आती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक कहा जाता है इसको, ठीक है। ये हो गई है मतलब मेन रीजन, मेन ट्रीटमेंट जो होती है वो क्या हो सकती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है इससे, एंडोमेट्रियोसिस से, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम अपनी सही जगह पर ग्रो करती और सही जगह पर उसकी जो क्या कहते हैं मतलब उसकी वैस्कुलराइजेशन एंडोमेट्रियम की यूट्रस में ही होती तो फिर तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अगर ओवरीज के अंदर हो जाएगी और ओवरीज के अंदर अगर ये चीज एंडोमेट्रियम ग्रो करना शुरू करेगी तो फिर जो एग होगा उसको हो सकता है कि एग बाहर ही ना निकल पाए, यानी कि ओवरीज से ओवरक में ना जा पाए, या फिर ये हो सकता है कि अगर वो चला भी जाए तो भी इम्प्लांट नहीं हो सके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन है कि इसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है, यानी कि इनफर्टिलिटी हो सकती है, ये रीजन बन सकते हैं इनफर्टिलिटी का, ठीक है। अच्छा, बाकी आगे आपके पास छोटी छोटी डेफिनेशन CVM जिसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, और इनकी डेट्स याद रख लेना, और जो मेन टॉपिक है STDs इसको उससे भी पढ़ लेंगे। इसके अंदर सिर्फ एड्स का दिया हुआ है, सिंटैक्स बुक से पढ़ना, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसको। और वैसे अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, 11:30 पर हमारी क्लास ऑफ होगी ना, तो क्यों ना STDs भी पढ़ लें, क्या कहते हो।